बच्चों का सर जब हार्ड सरफेस पे हार्ड बेड पे पड़ा रहता है तो अमूमन बच्चे एक ही तरफ़ देखते रहते हैं इसलिए क्योंकि उसी तरफ दरवाज़ा होता है और वहाँ से दरवाजे से रोशनी आवाज़ सब कुछ उस तरफ से आ रहा होता है कलर नज़र आ रहे होते हैं तो बच्चा उसी तरफ देखता रहता है और फ्लैट सरफेस पे लेटने की वजह से बच्चे का सर एक तरफ से टेढ़ा हो जाता है इस चीज़ को हम कहते हैं पोजिशनल प्लेग या फ्लैट हेड सिंड्रोम यानी बच्चे का सर अगर पीछे से बिल्कुल टेढ़ा हो जाए सर सर्फेस पे लेट के या एक तरफ देखने की वजह से सर जो है वो टेढ़ा हो जाए तो इस चीज को फ्लेग्यो कैफली पोजिशनल फ्लेग्यो कैफली कहते हैं इसको कैसे क्रेक्ट करेंगे एक दफा अगर ये डेवलप हो जाए तो आमतौर पर इसमें अंडरलाइन ये भी मसला होता है कि हड्डियाँ कमजोर होती हैं और इस वजह से जल्दी से सर की जो शेप है वो खराब हो जाती है तो इन नरम हड्डियों का हमें फायदा लेते हुए इसको सीधा भी किया जा सकता है इसके लिए ये जो राउंडेड हैं ये आइडियल हैं, जो होल वाले पिलो हैं ये आइडियल हैं, इनके साथ ये होता है कि जो ये ऊपर वाली पिक्चर में नजर आ रहे हैं पिलो में इनकी बात कर रहा हूँ, इनके साथ होता ये है कि जो ऑक्सीपट है जो सर का पीछे वाला हिस्सा है वो इनके होल के अंदर जो है वो चला जाता है दस जाता है और चारों तरफ से सर को सपोर्ट मिलती है और सर वापस अपनी शेप में आना शुरू हो जाता है जिस तरफ ज्यादा टेढ़ापन होता है उस तरफ ज्यादा जोर जाता है सर का वजन उस तरफ ज्यादा जाता है और इस तरह से सर आहिस्ता आहिस्ता सीधा हो जाता है लेकिन दूसरी जो चीज जो आम पे हमारे हां, बेबी में के साथ मिलती है इस तरह का एक छोटा सा पिलो जो ब्लू कलर का नीचे वाली पिक्चर में है ये मिलता है ये फायदेमंद नहीं है ये आमतौर पर नुकसान करता है बच्चे की गर्दन को थोड़ा सा एक्सटेंड होना चाहिए बच्चे जब लेटा हुआ हो तो उसकी गर्दन थोड़ी सी वाजे होनी चाहिए नजर आनी चाहिए उसकी चिन सीने के साथ मिली हुई नहीं होनी चाहिए अगर चिन सीने के साथ मिलेगी तो सांस की नाली बंद होगी अंदर सिक्रीशंस बलगम जमा होगा दूध जो है वो जमा होगा और बच्चे की गजा गजा की नाली और सांस की नाली में जो सिक्रीशन जमा होगी ये इन्फेक्शन पैदा करेंगी नमूनिया पैदा करेंगी ये वाला जो ब्लू वाला पिलो है नीचे वाली पिक्चर में जो आमतौर पर हमारे यहाँ बड़ा कॉमनली बेबी बैग्स में और बेबी गुण। के साथ आता है ये इतना अच्छा नहीं है ये जो ऊपर वाली पिक्चर में दिखाया गया है होल वाला पिलो ये ज्यादा आइडियल है बच्चों के सर की शेप को करेक्ट करने का जब आप लगातार इस पिलो का इस्तेमाल करते हैं और बच्चा अपनी बैग पे सोता है और इस पिलो का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसमें चंद हफ़्तों में या महीनों में चंद महीनों में आपको असर नज़र आना शुरू हो जाता है और बच्चे का बच्चे के सर की शेप वापस बहाल होना शुरू हो जाती है लेफ्ट साइड की पिक्चर में अब नॉर्मल शेप है और राइट साइड की पिक्चर में जो पोजिशनल पेगियोग्राफ्री थी वो करेक्ट हो गई है ये थी व्यूज मेरी आज की शॉर्ट सी प्रजेंटेशन उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा थैंक यू वेरी मच